हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि इंटरनेट और ट्रिपल डब्ल्यू, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इसमें क्या अंतर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन, तो इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी कीजिए। ये हमारा प्लेलिस्ट है, आपको कॉमर्स की पाठशाला सर्च करना है, हमारे वेबसाइट हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको व्हाट्सएप के प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आएंगे आपको बीकॉम न्यू दिखेगा, बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके, सुन करके, समझ करके आप अच्छे एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है इंटरनेट और ट्रिपल डब्ल्यू में डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस वो ये है कि इंटरनेट ओरिजिनेटेड समटाइम्स इन द लेट 1960s। इंटरनेट जो है 1960 के दशक में जो है 1960 में जो है इसका आगाज होता है। इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। लेकिन जो ट्रिपल डब्ल्यू है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका जो जो पहली बार जो इसका इस्तेमाल हुआ या फिर जो पहली बार जब ये बना, इसके बनने की जो तारीख है वो 1989 के आसपास जो है बताई जाती है। ट्रिपल डब्ल्यू की इंटरनेट 1960, ट्रिपल डब्ल्यू 1989। नेचर ऑफ द इंटरनेट हार्डवेयर, इंटरनेट का जो नेचर होता है वो हार्डवेयर का होता है। वेयर एज अगर ट्रिपल डब्ल्यू की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, तो वो उसका जो नेचर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, राउटर्स, केबल, ब्रिजेस, सर्वर, सेलुलर टावर, सैटेलाइट्स, ईटीसी। इंटरनेट में ये सारी चीजें आ जाएंगी, राउटर आ जाएगा, केबल आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, ब्रिज, सर्वर, सेलुलर टावर्स वगैरह वगैरह। ट्रिपल डब्ल्यू कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो वगैरह वगैरह, है ना। ट्रिपल डब्ल्यू जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इसमें हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट वॉज नोन एज आर्पानेट, है ना। जो सबसे पहला वर्जन था इंटरनेट का, उसे हम कहते थे आर्पानेट। ट्रिपल डब्ल्यू का जो पहला वर्जन था, इन द बिगिनिंग ट्रिपल डब्ल्यू वॉज नोन एज एनएसएफ नेट, वो था आर्पानेट, ये था एनएसएफ नेट, ठीक है। इंटरनेट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बेसिस पे काम करता है। वेयर एज ट्रिपल डब्ल्यू जो है वो एचटीटीपी के बेसिस पे काम करता है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इंटरनेट इज इंटरडिपेंडेंट ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू, इंटरनेट जो है वो ट्रिपल डब्ल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक तरीके से अलग चीज है। लेकिन ट्रिपल डब्ल्यू को अगर काम करना है तो उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर, बगैर इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इंटरनेट सप्रेस्ड ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू, इंटरनेट जो है वो सुपरसेट है ट्रिपल डब्ल्यू का। वेयर एज ट्रिपल डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ इंटरनेट, ट्रिपल डब्ल्यू जो होता है वो इंटरनेट का सबसेट होता है। अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग ट्रिपल डब्ल्यू, द इंटरनेट हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज फॉर अदर थिंग्स एज वेल, ई.जी. एफटीपी एंड एसएमटीपी। ट्रिपल डब्ल्यू जो है यहाँ पे सबसेट है इंटरनेट का, और यहाँ पे ट्रिपल डब्ल्यू को सपोर्ट करने के अलावा इंटरनेट का जो हार्डवेयर होता है उसके लिए भी ये काम करता है एज ए एफटीपी एंड एसएमटीपी, ठीक है। अगला पॉइंट है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस। और जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो फोन होता है या फिर जो लैपटॉप होता है, यू नो टैबलेट्स होते हैं, ये सब जो डिवाइसेस होते हैं, इसको आप आईपी एड्रेस के माध्यम से, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के माध्यम से आप उसको पता कर सकते हो। वेयर एज इंफॉर्मेशन पीसेस आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन जो ट्रिपल डब्ल्यू के जरिए जो यू नो जो आपको इंफॉर्मेशन निकाल करके लाई जाती है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ए यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। तो ये कुछ यू नो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। काफी इंपॉर्टेंट था, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको पूरा कर ले। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको नोट्स में 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 24/7 सर्विसेज हमारी तरफ से मिलेंगी जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।